सिमरन। बाबूजी। बहू को अंदर ले जा। ठीक है, चलो भाभी। बेटा बहू, यह है हमारा छोटा सा आशियाना। आज से तुम्हें इस घर का ध्यान रखना है और इस घर के वंश को आगे बढ़ाना है। बेटा रमेश, बहुत थक गए होगे, जाके आराम कर लो। ठीक है बाबूजी। ठीक है सीमा। बेटा सिमरन। जी बाबूजी। मैं गांव में जा रहा हूँ। अरे बाबूजी, आप गांव में जा रहे हो तो चाचा ताऊ जी के यहाँ भी चले जाना, उन्हें दावत दे देना, क्योंकि भैया और भाभी की इतनी जल्दी में शादी हुई, उन्हें बुला ही नहीं पाए, और गांव के जो अपने खास खास मेहमान है ना, उन्हें भी बुला लेना। अरे बेटा, मैं इसलिए तो जा रहा हूँ। ठीक है आप जाओ, ले मैं भी घर का कुछ ना कुछ काम कर लेती हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो सीमा, एक बात कहें? हाँ बोलो। वैसे तुम इस शादी से खुश तो हो ना? हाँ, मैं तो इस शादी से बहुत खुश हूँ। तो फिर कुछ अपने बारे में बताओ ना। मेरे बारे में क्या जानना है तुम्हें? सब कुछ तो तुम जानते हो। एक काम करो, मैंने आपके बारे में मम्मी से भी नहीं पूछा था और ना ही मुझे कुछ पता है, तो तुम बताओ ना कुछ अपने बारे में या अपनी फैमिली के बारे में। मैं अपने बारे में क्या बताऊं सीमा, हमारा बस छोटा सा परिवार है। पापा, छोटी बहन है सिमरन और एक मैं, और अब तुम भी तो आ गई हमारी फैमिली में। हमारी छोटी सी फैमिली को तुमने खुशियों से भर दिया है। और आपकी मम्मी? सीमा, माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। मैं और सिमरन बहुत छोटे थे उस वक्त जब माँ हम दोनों को छोड़कर चली गई थी। उसके बाद हमारी देखभाल बाबूजी ने ही की और अब सारी उम्मीदें तुमसे हैं सीमा। बाबूजी को, सिमरन को, मुझे, बाबूजी को लगता है कि अब तुम हमारे घर को संभाल लोगी। मम्मी के बाद अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है सीमा। ठीक है, बस कभी भी हमारे भरोसे को मत तोड़ना सीमा। तुमने ये सब ज्वेलरी वगैरह उतार दो ना। तुम ये सुनो जी ना, तुमसे एक बात करनी है। हाँ बोलो ना। देखो आप बुरा मत मानना, मैं चाहती हूँ कि हम ये सब आज ना करके कुछ दिन बात करें। मेरा मानना ये है कि पहले हम दोनों को आपस में एक दूसरे को समझना चाहिए। कोई बात नहीं सीमा, सही कहा तुमने, एक दूसरे को जानने के बाद ये सब करना ठीक रहता है। कोई नहीं, मैं वेट करूँगा। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तो अच्छा लगा। खैर तुम अब थक गई होगी, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। ठीक है, मैं कुछ कंबल वगैरह लेके आता हूँ, तुम लेटो। अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूँ ऑफिस में। ठीक है बेटा। और नाश्ता कर लिया? हाँ बाबूजी, मैंने तो कर लिया। आपने किया? नहीं बेटा, अभी नहीं किया। अरे सीमा, बाबूजी का नाश्ता लगा दो यार। अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूँ। ठीक है।
अरे बाबूजी। हाँ बेटा। नाश्ता कर लिया आपने? अभी नहीं किया। अच्छा। मैंने ये 10,000 रुपए दिए थे, उनमें से 5,000 रुपए मुझे ला दे, मुझे खात लेके आना है। ठीक है बाबूजी। बाबूजी मुझे ना 2,000 रुपए की जरूरत है। क्या करेगी 2,000 रुपए का? वो मेरे ना स्कूल में जमा होने हैं। स्कूल में जमा? हाँ। ठीक है बेटा ले जाना, लेकिन खर्चा थोड़ा कम कर। ठीक है। बेटा सिमरन। जी बाबूजी। कुछ दिनों से मुझे बहू के लक्षण ठीक नहीं लग रहे। लेकिन क्यों बाबूजी? देखा ना तुमने किस तरीके से चाय रखे गई है, वो सर पे पल्लू तक नहीं था। अरे बाबूजी आप कौन से जमाने में जी रहे हो? पल्लू जो हो ना पहले जमाने की बहू रखती थी, और भाभी भाभी मॉडल जमाने की है, पढ़ी लिखी है। और खैर आप भी क्या बातें कर रहे हो, जाओ आपको जाना है और मुझे भी चाची के यहाँ जाना है, चाची ने मुझे बुलाया था। ठीक है बेटा मैं 5,000 रुपये ला देगा, मैं खात ले आऊंगा। मैं भी लेके आता हूँ। ठीक। लीजिए बाबूजी। ठीक है बेटा मैं चलता हूँ। ठीक है मैं भी चाचा जी के यहाँ जा रही हूँ। ठीक है। अरे बहू इन कपड़ों को तो ले जा। ये मैं कहाँ आके फंस गई हूँ, ना तो इस घर से बाहर जा सकती हूँ अकेली, और ना मैं रघु से ठीक से बात कर पाती हूँ। कितने दिन हो गए मुझे रघु से मिले हुए, अब क्या करूँ? मेरा तो मन भी बहुत कर रहा है रघु से मिलने का, क्या करूँ क्या करूँ। हाँ ये ठीक रहेगा, ना ही तो वो घर पे है और ना ही बाप ना ही बेटी, वो सब तो शाम से पहले आने नहीं वाले। एक काम करती हूँ मैं रघु को घर पे ही बुला लेती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मैं तो बोर हो गई हूँ इस घर में। हेलो रघु। सीमा। अरे आ गए तुम। आ गई तुम्हें मेरी याद, मिल गया टाइम तुम्हें मुझसे मिलने का। अरे सीमा तुम तो बोलती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ऐसे प्यार करती हो तुम मुझसे, मुझसे तुमने बताया तक नहीं और शादी कर ली। मैं क्या करती, मैं मजबूर थी, मैंने लाख कोशिश की तब भी मैं शादी को नहीं रोक पाई, क्योंकि मेरे पापा वो जिद पे अड़ गए थे कि तेरी शादी करनी है शादी करनी है। और तो और मेरे पापा मेरे पैरों में गिर गए थे, बोलने लगे कि अगर तू मेरी पसंद से शादी नहीं करेगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अब मैं क्या करती रघु तुम ही बताओ, इसलिए मुझे करनी पड़ी शादी। लेकिन रघु तुम टेंशन मत लो, मैंने आज तक उसे अपने आप को छूने तक नहीं दिया है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुमसे। रघु मेरा यहाँ मन नहीं लगता, मुझे यहाँ से ले चलो, अब मैं नहीं रह सकती तुमसे दूर। चाची जी के यहाँ की तो मैं थक गई, भूख लग रही है, भाभी ने खाना तो बना ही लिया होगा। हाँ जाकर खाना खा लेती हूँ। अरे भाभी मुझे भूख लग रही है, खाना ले आओ। देखो सीमा मैं तुमसे आज भी उतना प्यार करता हूँ जितना 6 महीने पहले करता था, लेकिन तुम जो ये बोल रही हो ना मुझे यहाँ से ले चलो, तुम्हें मैं ले तो जाऊँ लेकिन तुम्हें लेकर जाऊँगा कहाँ पर? ना तो मेरा कोई घर है और ना ही मेरे पास नौकरी है और ना ही पैसे, तो मैं तुम्हें लेकर जाऊँ कहाँ पर? सीमा देखो तुम ना कुछ दिन और यहाँ पर रुको, जैसे ही मेरी कोई जॉब लग जाती है ना तो मैं तुम्हें यहाँ से लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। क्या रघु
मुझे यहाँ एक एक पल ऐसे लगता है जैसे एक साल, और तुम कह रहे हो मैं कुछ दिन और रुकूं यहाँ पर। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तुम्हारे साथ चलना है बस, और मैं नहीं रह सकती यहाँ। देखो देखो सीमा, दूर तो मैं भी नहीं रह सकता तुमसे, लेकिन क्या करूं। सीमा? हाँ। वैसे इस घर को देखकर लगता है इस घर का जो मालिक है वो तुम्हारा हस्बैंड काफी पैसे वाला है। हाँ, इसीलिए तो मेरे पापा ने मेरी शादी इनसे की है, जबकि ये मुझसे उम्र में बड़े भी हैं काफी। देखो सीमा, अब मेरी बात ना तुम कान खोल के सुनो, जैसा मैं बोलता हूँ ना बस तुम वैसा कर लेना। ये भाभी कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही है, फिर सो तो नहीं रही, देख क्या। देखो सीमा, तुम कैसे भी करके ना इस घर को बस अपने नाम पर करा लो, और जैसे ये घर तुम्हारे नाम पर आता है हम इसको बेचकर कहीं दूर भाग चलेंगे। भाभी तो अपने कमरे में भी नहीं है, कहीं छत पर तो नहीं गई। हाँ देख क्या। लेकिन रघु ये सब होगा कैसे, वो अपना घर मेरे नाम पे कैसे कर देगा। तुम्हें पता है मैं उससे ठीक से बात भी नहीं करती। ये भाभी किसके साथ में है। अरे देखो सीमा, अगर तुम चाहो ना तो सब कुछ हो सकता है, बस तुम उसको अपने थोड़े से प्यार के झांसे में फंसा कर इस घर को अपने नाम पर करा लो, इसमें बड़ी बात कौन सी है। भाभी भाभी ये कौन है, और आप इनसे किस तरीके की बातें कर रहे हो। अच्छा तो मैं सब समझ गई, आप जो घर में कलेशबाजी कर रहे हो, और सुबह आपको पिताजी ने टोका भी था कि सर पे पल्लू रखो, इसकी वजह से कर रहे हो ना आप ये सब। मैं अभी बाऊजी और भैया को अभी सब कुछ सच सच बताती हूँ। सिमरन सुन तो, सिमरन। सीमा कौन थी ये? ये मेरी छोटी ननद है। तुम्हारी ननद? अरे अरे, अगर इसने हमारे बारे में जाकर तुम्हारे पति से और तुम्हारे ससुर से बता दिया तो मैं तो यार बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। और तुम्हें अपनी पड़ रही है, मुझे तो घर से निकाल देंगे। क्या करूं यार, तुमने तो अपने अपने साथ साथ मुझे भी मुसीबत में डाल दिया है। ये सब मत सोचो, अब ये बताओ रघु कि इस मुसीबत से बाहर कैसे निकले। और मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या। अगर उसने बता दिया तो क्या होगा। देखो सीमा, मेरे पास एक आइडिया है, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सांप लाठी, देखो क्या कह रहे हो तुम। देखो ये जो तुम्हारी नजर है ना, इसे हम खत्म कर देते हैं। खत्म? तुम पागल हो गए हो क्या। देखो और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास बचने का, एक यही रास्ता है इस मुसीबत से बाहर निकलने का। और अगर अगर इसने जाकर तुम्हारे घर वालों को बता दिया हमारे बारे में तो ना ही तो कभी ये प्रॉपर्टी हमारी हो पाएगी और ना ही हम दोनों कभी एक हो पाएंगे। लेकिन रघु, अगर मेरे पति पूछने लगे कि सिमरन कहाँ है तो मैं क्या कहूंगी। अरे बोल देना कि वो बाहर गई थी और अभी वापस ही नहीं आई। अब चलो यहाँ से, इससे पहले कि वो फोन कर तुम्हारे पति को बता दे। चलो जल्दी। ठीक है चलो। ये भैया का नंबर क्यों नहीं लग रहा, बाऊजी पे करती हूँ। कट क्यों रहा है।
काम तो हो गया। सुनो सीमा, इससे पहले कि तुम्हारे घर में कोई आए, इसको ठिकाने लगा देते हैं। चलो। अरे तुमने मेरी बेटी के साथ ये क्या किया? सिमरन, 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 बेटा आंखें खोल, सिमरन, बेटा आंखें खोल। रघु, ये तुमने क्या किया? तुमने इन्हें भी? अरे सीमा, तुमने देखा नहीं, इन्होंने तुम्हारी ननद को हमें मारते हुए देख लिया था। अगर मैं इनको नहीं मारता तो ये जाकर सबको बता देते। इससे पहले कि कोई घर में आए, अब जल्दी से इन दोनों को ठिकाने लगा देते हैं। ठीक है। आ गए आप? क्या कर रही हैं? बैठो। अरे इधर आओ। सारा दिन काम ही करती रहती हो। हमारी शादी को भी कुछ ही महीने हुए हैं और तुम सारा दिन काम करती रहती हो। कहाँ काम कर रही थी, बस मैं तो झाड़ू ही लगा रही थी। ये सब तो सिमरन भी कर लेगी। खाना खाया तुमने? हाँ खा लिया। अच्छा वो बाबूजी कहाँ पर हैं? उन्होंने कुछ पैसे निकलवाए थे मुझसे बैंक से, उनको देने थे। बाबूजी वो नहीं है घर पर, वो तो मार्केट गए हैं। बाबूजी मार्केट गए हैं? हाँ। अच्छा सिमरन कहाँ पर है? उसको दे दूंगा, वो रख लेगी। सिमरन, सिमरन चाचा जी के यहाँ पे गई है। उनकी लड़की की आज लगन आई है ना, तो वो गीत वगैरह में गई है। अच्छा चलो कोई नहीं, शाम को बाबूजी को दे दूंगा। ठीक है। अच्छा क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? तभी तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ वो आज ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए थोड़ा अजीब सा हो रहा है। दवाई ली तुमने? हाँ दवाई मैंने मंगा ली थी सिमरन से। चलो ठीक हो जाओ। अच्छा सीमा मुझे ना बहुत जोर से भूख लगी है, तुम खाना लगा दो। हाँ ठीक है, आप हाथ मुंह धो के चेंज कर लो, मैं खाना लेकर आती हूँ। ये कौन सी मुसीबत में फंस गया मुझे। हाँ फूफा जी, मैंने सब में पता कर लिया है, लेकिन सिमरन और बाबूजी का कहीं पता नहीं चल रहा है। सीमा से मैंने पूछ लिया है, सीमा ने कहा था कि बाबूजी से कहकर गए थे कि वो मार्केट जा रहे हैं, लेकिन अब तक वापस नहीं आए हैं। हाँ जहाँ सिमरन गई थी वहाँ जाकर मैंने पता किया, उन्होंने कहा कि सिमरन वहाँ से शाम को ही निकल गई थी। फूफा जी पुलिस को मैं पहले ही रिपोर्ट कर चुका हूँ, वो तो मैंने कल ही कर दी थी। फूफा जी मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। हाँ ये मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, पुलिस तो घर ही आ गई है। इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ? राकेश मेरे को बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके पिता और आपकी बहन इस दुनिया में नहीं रहे। ये आप क्या कह रहे हो? मत क्या हुआ मेरे पिता, क्या हुआ मेरे पिताजी को? देखो रमेश, तुम्हारे पिता और तुम्हारी बहन की डेड बॉडी तुम्हारे खेत में मिली है। इंस्पेक्टर साहब मेरी बहन ने और मेरे बाबूजी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? कोई उनको क्यों मारेगा? रमेश तुम्हारी बहन और तुम्हारे पिता का नंबर हमने सर्विस लाइन पर लगा रखा था, जिसमें दो नंबर और वहां पर अननोन पाए गए, जिसमें एक नंबर इसका और दूसरा नंबर। दूसरा नंबर किसका था? दूसरा नंबर तुम्हारी पत्नी का था। इंस्पेक्टर साहब ये क्या बोल रहे हैं आप? देखो मैं सही बोल रहा हूँ, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं होता तो अपनी पत्नी को बुला लो। सीमा, सीमा, सीमा बाहर आओ। इंस्पेक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? इन्होंने कहा कि तुम इस लड़के के साथ मिली हुई हो, तुमने फोन पर इससे बातें की हैं और बाबूजी की और सिमरन को मारने में तुम्हारा हाथ है। क्या ये सच है सीमा?
सीमा मैं कुछ पूछ रहा हूं, क्या ये सच है? सीमा मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। अरे भी कुछ महीने हुए हमारी शादी को, तुम कह दो ना कि ये सब तुमने नहीं किया, तुम्हारा इसके साथ कोई कोई हद नहीं है। सीमा सीमा तुम, मुझे कुछ नहीं पता और ना ही मैं इसको जानती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर साहब, सीमा ने कुछ नहीं किया है। रमेश, तुम्हारी पत्नी कुछ नहीं बताएगी क्योंकि ये डरी हुई है। बताएगा तो ये क्योंकि इसने रिमांडिंग रूम में सब कुछ बोल दिया है। चल बे, बता क्या क्या किया तूने मेरे बाबूजी के साथ, क्या किया तूने मेरे बाबूजी के साथ? हाँ, मैंने और तुम्हारी पत्नी ने दोनों ने मिलकर मारा है तुम्हारे बाबूजी को और तुम्हारी बहन को। अब ये भी बता दे कि क्यों मारा है। वो इसलिए क्योंकि मैं कल मिलने सीमा से तुम्हारे घर आया था और हम दोनों को मिलते हुए तुम्हारी बहन ने देख लिया था, इसलिए मुझे तुम्हारी बहन को मारना पड़ा। कमीने, तूने मेरे बाबूजी को क्यों मारा? उनकी क्या गलती थी? हाँ, क्यों मार डाला उनको? क्योंकि तुम्हारे बाबूजी ने सिमरन को मारते हुए मुझे देख लिया था, इसलिए मुझे उन्हें मारना पड़ा। कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरी जान ले लूंगा। रमेश, कानून को अपने हाथ में उठ लो, इससे ज्यादा तो कानून ही देगा। इंस्पेक्टर साहब, कमीने तेरे, सीमा तुमने ये सब क्या किया? हाँ, अरे कितना प्यार करता था मैं तुमसे, हाँ, और तुमने इसके साथ मिलकर बाबूजी को मार डाला, हाँ, अपनी छोटी बहन जैसी ननद को मार डाला। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों को मेरी आंखों के सामने से ले जाओ, इससे पहले कि मेरे हाथ से कुछ अनर्थ हो जाए। ले जाओ इन लोगों को यहाँ से। हवलदार, लेकर चलो उन्हें। चलो मैडम, संभालो अपने आप को, ठीक है? मैं चलता हूँ। हाँ मुझे